मेहनत और ईमानदारी अपनाओ, खोई बरकत वापस पाओ, नशा मुक्त हो शाकाहार अपनाओ, रोग दोष से मुक्ति पाओ। परम पुरुष पूरनरनी जय गुरुदेव स्वामी नाम जिनके चरण कमल पर कोटि कोटि प्रणाम। जब ये जीवात्मा को रास्ता मिल जाता है, मददगार सतगुरु मिल जाते हैं, और ये जब सतलोक पहुंच जाती है तो सतलोक छोटा मोटा लोक है नहीं, बहुत बड़ा लोक है। ऐसे ये भारत देश है, भारत छोटा मोटा तो है नहीं। अब कोई दूसरे देश से कहीं भी अगर भारत में आ जाए तो ये कहेगा हम भारत देश में पहुंच गए। चाहे छोटे हवाई अड्डे पर उतर जाए, चाहे बड़े हवाई अड्डे पर उतरे, चाहे बड़े शहर में रहे, चाहे छोटी जगह पर रहे, गांव में रहे, लेकिन ये कहेगा हम भारत पहुंच गए, भारत देश में हैं हम इस समय। ऐसे ही जो अन्य समझो जो वहाँ पहुँचते हैं उनको लोक में पहुँच जाते हैं, अन्य उनकी आत्मा को सालोक मुक्ति मिलती है। कहा गया सालोक मुक्ति मिल गई और सामिप्य मुक्ति, जो वहाँ के राजा हैं, बादशाह हैं, सत्पुरुष हैं, उनके नज़दीक जब पहुँच जाते हैं तब यानी उनको उस आत्मा को सामिप्य मुक्ति कहते हैं। और जो उन्हीं में समा जाते हैं, उन्हीं जैसे ही हो जाते हैं, उनकी पूरी पावर मिल जाती है, उनको साजुज्य मुक्ति कहते हैं। तो जो निचले स्तर की जीवात्माएँ वहाँ पहुँची हुई भी होती हैं, जब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, जब धर्म रहता है, लोग कर्म को समझते हैं, जब व्यवस्था बिगड़ी हुई नहीं रहती है, जब लोगों में सच्चाई रहती है, ईमानदारी रहती है, जब यानी परोपकारी एक दूसरे की मदद की भावना रहती है, आप समझो सेवा भाव रहता है, लोग ईश्वरवादी खुदा परस्त रहते हैं, और उस समय पर कोई सुधार की ज़रूरत होती है तो निचले स्तर की ही जीवात्माएँ भेज दी जाती हैं। जब ज़्यादा अन्य ज़रूरत पड़ी, सुधार की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, अन्य चटाने की बताने की, तो दूसरे आते हैं। और जब बिल्कुल ही फंस जाते हैं, आप भी समझो जीव नरकों में ही जाने लगते हैं, चिल्लाने ही जब लगते हैं, दुख ही दुख यानी देखते हैं, दुख ही में फंसे रहते हैं, तब कौन आता है? सतपुरुष के यहाँ से आत्मा आती है, यानी जीवों को समझाने के लिए, बताने के लिए। जब दूसरे के पावर, दूसरे की शक्ति को यानी लोग नहीं इस्तेमाल करते हैं, कहने बताने के बावजूद भी यानी समझो कि जब उस बात को नहीं मानने के लायक होते हैं, तब आप समझो कि वहाँ की शक्ति आती है। आप देखो जैसे कर्मचारी होते हैं, छोटे कर्मचारी होते हैं, समझाते बताते हैं अपने स्तर से उनको, और उनकी बात जब कोई नहीं मानता है तो और उससे बड़े समझाते हैं, फिर बहुत बड़ा अधिकारी समझाता बताता है, नहीं तो फिर सजा दे देता है। ऐसे ही अन्य समझो कि ऊपर से वो भेजे जाते हैं। किसको भेजते हैं? अपनी शक्तियों को भेजते हैं, यानी सत्पुरुष भेजते हैं। तो वो पहले तो समझाते बताते चेताते ही हैं, सजा नहीं देते हैं। सजा देने वालों के वो यानी समझो कि हक में फिर चला जाता है। जब उनकी बात कोई नहीं मानता है, समझाने पर नहीं मानता है, तो जो संहार का काम है, सजा देने का काम है, यानी शिव जी का, वो उनके पाले में चला जाता है।
क्योंकि वो भी इंतजार करते रहते हैं कि हमारे पाले में भी कोई आवे। जैसे आप ये देखो कि यानी समझो सजा देने वाले जो होते हैं, जो फांसी लगाने वाले होते हैं, इंतजार करते रहते हैं कि हमको भी कोई केस मिले, हमको भी मिला ऐसे वो भी सजा देने के लिए यानी खोजते रहते हैं। और जैसे ही इधर से आर्डर हुआ, जैसे ही बात को नहीं माना, और जैसे बात को लोग नहीं मानते हैं तो फांसी की सजा होती है, जैसे आर्डर होता है तैसे ही उनकी आशा बन जाती है, ऐसे वो भी इंतजार करते रहते हैं सजा के लिए। तो जो संत होते हैं सजा खुद नहीं देते हैं, पूरा दया भाव होता है उनके अंदर, पूरी जानकारी होती है। आप फिर समझो कि वह शक्ति भेजी जाती है, कहाँ भेजी जाती है, ये धरती पर भेजी जाती है, यानी एक सिस्टम से ही उनको भी उतारा जाता है, माँ के पेट में ही रहना पड़ता है। आप ये समझो कि जो यानी माँ के पेट की गंदगी है, कोई साधारण यानी समझो उस गंदगी में रहता है जीव, ऐसे वो भी उसी में रहते हैं, वो भी पांचों तत्वों के शरीर में होते हैं, उनका भी शरीर इन्हीं पांचों तत्वों से बनता है, से तरह की शक्तियाँ जन्मस्त परिणामी वृद्धिशील से बनती हैं, लेकिन उनके संस्कार अलग होते हैं। और फिर अन्य उस समय के अन्य समझो कि जो जानकार होते हैं उनकी तरफ वो आकृष्ट हो जाते हैं, एकदम से उधर वो पहुंच जाते हैं, और नहीं पहुंचते हैं तो समझो वो खींच लेते हैं। जैसे कोई जानवर है, जानवर से आदमी को देखता रहता है और आदमी की तरह से जानवर चल पड़ता है, सब नहीं चलते, कई जानवर खड़े हों, गाय बैल भैंस और सब खड़े हों, उनकी तरफ आप देखते रहो तो सब देखेंगे, लेकिन सब यानी समझो कि आपकी तरफ बढ़ेंगे नहीं, कुछ तो बढ़ जाएंगे, कुछ ऐसे ही सिर उठा देते हैं, ऐसे ही कर देते हैं, कुत्ते हैं, कोई कुत्ता तो आ जाएगा, कोई देखता ही रहेगा, आप समझो। और जब उनको ज़रूरत होती है, जिसकी ज़रूरत होती है यानी समझो उसको बुला लेते हैं। जैसे समझो कि कोई गाय की बैल की किसी को इच्छा उनकी जग गई प्यार करने की, तो उसी के सिर पर हाथ रख देता है, उसी को ऐसे सहलाने लगता है आदमी। कोई कुत्ता अच्छा लग गया या उसने इच्छा भी व्यक्त किया गया पूछ लाने लगा तो आदमी ऐसे हाथ रख देता है। तो जैसे आदमी का होता है स्वभाव, आत्मा तो यही है, ऐसे उनकी भी आत्मा रहती है, तो वो खींच लेते हैं और खींच करके क्या करते हैं, सत्संग सुनाते हैं। जो सत्संग की बातें होती हैं उनकी चोट जब लगती है जीवात्मा पर, तब जीवात्मा के अंदर चैतन्यता आती है, जब सत्संग वचनों को सुनते हैं तब यानी पर्दा हटता है, उससे कर्म कटते हैं और रहने खाने पीने और आचार विचार आहार व्यवहार सही रखने का तरीका अपना लेते हैं, फिर से शरीर से कर्म बनने नहीं पाते हैं। जब कर्म बनने नहीं पाते हैं तो बुद्धि सही हो जाती है और आत्मा निर्मल जब होने लगती है, और संत जब याद दिलाते हैं कि तुम आकर के यहाँ फंस गए और निकल नहीं पा रहे हो, तुमको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, और भटक भटक करके तुम फिर 84 में आ रहे हो, और देखो ये गोटे खा रहे हो, और जो चीज़ें तुम्हारी नहीं हैं उन्हीं को अपना समझ बैठे हो, धन दौलत पुत्र परिवार को ही अपना समझ बैठे, और उन्हीं के लिए सब कुछ तुम करने में लगे हुए हो, और उसी में ये जो समय तुमको मिला है अपने कल्याण के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए, यानी समझो ये समय को आप उसी में लगा दे रहे हो, इसलिए याद करो अपने घर को, अपने मालिक को याद करो, तुम यहाँ के नहीं हो और यहाँ आकर के फंस गए, तुम अपने घर चलो, तुम्हारे मनुष्य शरीर के अंदर ही ऐसा रास्ता है कि जिससे तुम चल करके वहाँ पहुँच सकते हो, यानी उस पथ को उस रास्ते को तुम उसको चल करके और रास्ते को काट सकते हो, कम कर सकते हो, यानी समझो कि दूरी को कम कर सकते हो चल चल करके और पहुँच सकते हो। तो जब याद दिलाते हैं संत, जब याद दिलाते हैं तब जीवों को याद आता है। अब सत्संग प्रवचन
बहुत लोग सुनते हैं और सुनाते हैं, लेकिन सत्संग का मतलब क्या होता है और सत्संग कैसा करना चाहिए, किस तरह से सुनना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। सत का जो सत्य है, केवल एक वही सत्य है, कौन? सत्पुरुष जिनको कहा गया, कुल मालिक जिनको कहा गया, सबका सृजनहार जिनको कहा गया, तरह तरह से नाम उसका लिया लोगों ने, एक वही सत्य है। तो उसकी जानकारी जिनको हो जाती है, उसके पास तक पहुंच जाते हैं, आना जाना रहता है, यानी समझो वो जो कोई चीज़ सुनाते हैं तो यानी समझो कि वो सत्य बात रहती है, और उसमें जीवात्मा को भी खुराक मिलता है, रस मिलता है, आनंद आता है, शरीर को रस अलग मिलता है, शरीर के सुख का आनंद अलग होता है, और आत्मा के यानी समझ लो कि आत्मा का सुख अलग होता है, सुनने से भी होता है आत्मा के, देखने से भी होता है आत्मा के, जैसे आपको सुनने से आनंद मिलता है, जिसका जैसा स्वभाव बन जाता है, जिसकी जैसी आदत बन जाती है, उस तरह की बातों को जब सुनता है तो आनंद आता है। बहुत से लोग निंदा बुराई ही सुनते हैं तो आनंद आता है, बहुत से लोग गाना बजाना सुनते हैं तो आनंद आता है, बहुत से लोग यानी अच्छी चीज़ों को देखते हैं आनंद आता है, बुरी चीज़ों को देखते हैं आनंद आता है, तो जैसे इसको आनंद आता है ऐसे आत्मा को भी आनंद आता है। तो जिनकी बातों को सुन करके आत्मा को आनंद मिले उसका साथ करना चाहिए। उनका नाम तरह तरह से लोगों ने रखा, समर्थ गुरु रखा, सच्चा गुरु रखा, सदगुरु रखा। अब जब उनका साथ मिल जाता है तो कहा गया कि अच्छे का साथ करो तो अच्छे बन जाओ, बुरे का साथ करो तो बुरे बन जाओ, अज्ञानी का साथ बनो तो अज्ञानता आ जाए, ज्ञानी का साथ करो तो ज्ञान पैदा हो जाए। आप ये समझो कि अगर छुरी का साथ पड़ जाए, अगर छीनी हथौड़ी का साथ पड़ जाए, कोई धारदार हथियार का साथ पड़ जाए लोहे का, तो उसको काट करके अलग कर देगा, टुकड़े टुकड़े कर देगा। जब लोहा इकट्ठा है, कोई यानी सरिया बनी हुई है, आप समझो यानी मोटा गाटर बना हुआ है, तब तो उसकी कीमत होती है। उसके टुकड़े टुकड़े जब हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, तो कीमत ख़त्म हो जाती है। इसी तरह से यानी समझो जब टुकड़े हो जाएंगे लोहे के तो कीमत ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अगर पारसमय पत्थर से यानी उसका संपर्क हो जाए, साथ पड़ जाए, तो उसी को तो सोना बना देता है। तो आप तो समझो उसका साथ करना बताया गया सत्संग में। अब उसका साथ जब करोगे कि जो सत्य का संग का रास्ता बताता है और मदद करके ले जाता है, और उसकी बातों को जब सुनोगे कि भाई प्रार्थना करो तो उससे करो कि जो तुम्हारा सब काम बना दे, और ये दुनिया की चीज़ों को देने वाले भी जिसके मातहत हों, जिसकी इच्छा करने से ये देवी देवता ये धन दे दें, पुत्र दे दें, परिवार दे दें, ये मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी कर दें, जिसके लिए दिन रात दौड़ते रहते हो और पाप भी कर बैठते हो, यानी समझो वो तुमको मिल जाए, खुश हो जाए, तो ये सारी चीज़ें मुहैया कर देंगे, और फिर उसी के पानी की इच्छा रह जाएगी। इधर से जब इच्छा की तृप्ति हो जाएगी, जब आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी, इधर की कोई इच्छा रह नहीं जाएगी, तो तुमको केवल उस मालिक के पानी की इच्छा रह जाएगी, तो उससे क्यों न प्रार्थना करो। अब यह है कि प्रार्थना बहुत करो और वो रीझे नहीं, खुश न हो, तो आप समझो कि मिलेगा नहीं, देगा नहीं। और प्रार्थना अगर करना सीख गए और प्रार्थना ठीक से कर दिया और सुनवाई हो गई, तो रीझ जाता है, दे देता है। देखो प्रेमियों, प्रार्थना किससे किया जाता है? जिसने उसका भेद बताया, जो भेद बताता है उनको सम्राट गुरु सदगुरु कहते हैं। सबसे पहले तो प्रार्थना उन्हीं से की जाती है कि आप मेरे यानी ऊपर दया करो, आप मेरे ऐसे भाव पैदा करो, आप दुनिया के तरफ जो मेरा मन लगा हुआ है, जिधर मेरे भाव अच्छे बन रहे हैं कि यही अच्छी चीज़ है,
आप उधर से मन को हटाओ, इंद्रियां ये जो बहुत दिनों से यानी समझो इसमें लिप्त हैं, पिछले जन्म में भी रहे तो यही खाते पीते बच्चा पैदा करते रहे, दुनिया की चीज़ों को ही इकट्ठा करते रहे, बहुत दिनों से जिन चीज़ों में ये हमारी इच्छा बनी हुई मन जिसमें लगा हुआ है उधर से इसको आप हटाओ, और आप जिस प्रभु की यानी व्याख्या कर रहे हो, जिस प्रभु के बारे में बता रहे हो, और जो सब कुछ दे सकता सब कुछ कर सकता है, जो साधु जो मुक्ति इस आत्मा को दिला सकता है, उससे यानी नेह लगाओ, उसको याद करने के लिए यानी प्रार्थना हमको सिखाओ। सबसे पहले तो गुरु ही होते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो लखाए, जिन गोविंद दियो बताए, यानी बताने वाले को भी प्रणाम किया लोगों ने कि वो मालिक है, और जिसने लखा दिया यानी कहा कि वो भी गुरु है, कुछ लखाने वाले होते हैं, कुछ बताने वाले होते हैं, कुछ अनुभव करा देने वाले होते हैं, कुछ खाली बता देते हैं कि मार लगेगी है तो दर्द होगा, और कोई ऐसे मार करके धीरे से अनुभव करा देते हैं कि ऐसा दर्द होता है, तुम किसी को तुमको कोई मारेगा तो दर्द होगा, ऐसे तुम दूसरे को मारोगे तो उसको दर्द होगा, तुम किसी की बुराई करते हो उसको तकलीफ होती है, ऐसे तुम्हारी कोई बुराई करेगा तो तकलीफ होगी, तुमको कोई पैर पकड़ करके तुम किसी की खींचते हो, किसी रास्ते पर जा रहा है अच्छे रास्ते पर जा रहा है और उसका पैर पकड़ करके खींचते हो कि यह गिर जाए या इससे हम आगे निकल जाएं, तो ऐसे ही वो जब तुम्हारे लिए करेगा तो तकलीफ होगी, ऐसे ही जब तुम्हारी उंगली कट जाए दर्द होता है, अगर तुम किसी जानवर को काट दोगे, मुर्गा भैंसा को काट दोगे, पक्षियों को काट दोगे अपने जबान के स्वाद के लिए आने समझो अगर काट दोगे तो उसको भी तकलीफ होगा, तो आने समझो इस तरह से आने समझो कि ये जब प्रार्थना जो करता है किससे, गुरु से, गुरु से जब प्रार्थना करता है तो गुरु ऐसा भाव पैदा कर देते हैं, क्योंकि गुरु जो समर्थ होते हैं जब जीवात्मा को पकड़ते हैं तो पूरी डोर जीवात्मा की उनके हाथ में रहती है, और वो देख लेते हैं कि किस तरह का है और कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है, किस चीज़ में इसका मन लगा हुआ है, उन चीज़ों को वो दे देते हैं, और फिर उसके बाद में यानी उसकी अगर प्रबल इच्छा रहती है यानी वो चाहता है हमारे पर धन ही धन हो जाए तो धन ही धन दे देते हैं, अब धन से फिर उब जाता है, धन से जब मन हटता है दूसरे चीज़ की कोई इच्छा बढ़ी, मान प्रतिष्ठा की बढ़ गई उसको दे दिया, फिर और किसी चीज़ की बढ़ी उसको दे दिया, लेकिन छठ का बीच में देते रहते हैं कि एकदम फंस करके या ना भूल जाए तो वो चीज़ दे देते हैं, और उसके बाद में घूम घुमा करके यानी समझ लो ला करके यानी एकदम से सुख शांति जिसमें मिल जाए, यानी समझ लो कि किसी चीज़ की जरूरत ही न रह जाए, इच्छा न रह जाए इस जीवात्मा की, इसको अपने घर पहुंचा देते हैं, उस समुद्र में विलीन कर देते हैं कि फिर इसका उपयोग और कहीं न होने पावे, कोई इसका उपयोग और न करने पावे, जैसे आसमान में यानी समझो कि यह भाप जाता है, किसका भाप जाता है, समुद्र का भाप जाता है, और वहाँ पर वो ठंडा होकर के बूंदे बन करके नीचे ज़मीन पर उतरता है, गिरती हैं ये बूंदे, पानी इकट्ठा हो जाता है, अब उस पानी का उपयोग जैसे जिसके हाथ में पड़ जाता है पानी वो उसी हिसाब से करता है, कोई पानी को नाली में डाल देता है, कोई यानी समझो लैट्रिन के पाट में डाल देता है, कोई इसको उबाल देता है, कोई इसको ठंडा करके पीता है, एकदम ठंडा कर देता है फ्रिज में डाल देता है, कोई इसको बर्फ जमा देता है, जहाँ जैसे जिसकी आवश्यकता पड़ी जब जैसे ऐसे ही वो कर लिया और करता है, इसी तरह से इस जीवात्मा का उपयोग जितने लोगों के हाथ में ये पड़ी, चाहे देवी हो चाहे देवता हो चाहे यहाँ के जो लोग हों, यानी वो उसी तरह से करते रहे, और अब भी देखो कर रहे हैं, इस शरीर से जो इसमें जो तकलीफ झेल रही है इसमें बंद है,
उसी में इसका उपयोग कर रहे हैं। आप देखो, पैर में लगा तो भी यही महसूस होता है जीवात्मा को, काट दिया किसी ने तो दर्द यही महसूस होता है, होता तो जीवात्मा को है, दर्द तकलीफ जीवात्मा को ही होती है। अब जब जीवात्मा निकल करके वहाँ पहुँच जाएगी तो सब दुख सुख शेष हो न्यारी, दुख सुख कुछ रही नहीं जाता है वहाँ, तो कोई दुख सुख है ही नहीं। तो प्रेमियों, आप प्रार्थना तो करते हो लेकिन भाव नहीं बनते हैं, जगते नहीं हैं भाव, और प्रार्थना करते भी हो तो किस चीज़ के लिए करते हो? दुनिया की इच्छाओं के लिए करते हो, जो अक्सर लोग करते रहते हैं, और वो वही आदत भी आपकी बन गई। जैसे कुछ लोग कहाँ थे पहले, देवी देवताओं की पूजा में थे, लोगों को खुश करने में थे कि हमको ये सब दे देंगे कर देंगे, अब नामदान भी ले लिया, सत्संग में भी आ गए, लेकिन वही आदत बनी हुई है तो उन्हीं चीज़ों की इच्छा सत्संग में भी रखते हैं, उन्हीं चीज़ों की इच्छा सदगुरु के भी सामने रख देते हैं, वही चीज़ मांगते हैं, और सदगुरु से भी यही प्रार्थना करते हैं कि उस मालिक तक हमारी प्रार्थना अर्जी लगा दो, दुनिया की चीज़ों के लिए, उन्हीं चीज़ों के लिए, उसके लिए नहीं कि जो सब कुछ दे सकता कर सकता है, और जो हर तरह से खुशहाल कर सकता है, सब छुड़ा सकता है, उसके लिए अन्य समझो कि प्रार्थनाएं नहीं कर पाते हैं। तो प्रेमियों, उसके लिए प्रार्थना करो। किसके लिए प्रार्थना करो? मालिक के लिए प्रार्थना करो, इस बात के लिए प्रार्थना करो कि दोबारा अब हमको फिर ना आना पड़े दुख के संसार में, दुख झेलने के लिए ना आना पड़े, शरीर से दुख ना झेलना पड़े। इसके लिए प्रार्थना करो कि जो अभी तक हमारा मन चंचल हो गया, जो हमारा मन इधर उधर भटक रहा है, जो इधर इंद्रियों के तरफ ले जा रहा है, भोग में फंसा रहा है, ये जो दुनिया के अन्य समझो कि ये काल के बनाए हुए यानी जो स्थान हैं, काल के बनाए हुए जो नदी नाले हैं, जो तीर्थ स्थान हैं, जो काल के बनाए हुए जीव हैं, जो फंसाने का काम करते हैं, उनकी तरफ से हमारा मन हटाओ, गुरु से दया मांगो, गुरु आपकी अर्जी को वहाँ पहुँचाएंगे। और गुरु तो समझ लो अर्जी क्या पहुँचाएंगे, गुरु तो जो समर्थ होते हैं, जैसे अपने गुरु महाराज थे तदरूप उस मालिक के, तो उस समय भी देखो प्रेमियों मदद करते रहे, प्रेमियों का, आप लोगों का, बहुत से लोगों का, और अब भी वो मदद के लिए तैयार हैं, आपके लिए अब भी जलवा दिखाने के लिए तैयार हैं। आप समझो जो ऊपरी लोगों में जलवा हो रहा है, समझो उसके लिए वो तैयार हैं, लेकिन उनसे इश्क तो होनी चाहिए, प्रेम तो होना चाहिए, जिसको जिससे प्रेम हो जाता है बराबर याद करता रहता है। लेकिन आप सोचो गुरु महाराज को एक बार भी 24 घंटे में याद कर पाते हो? नहीं याद करते हो। याद करो, समय निकालो, गुरु महाराज अब भी आपके साथ हैं, अब भी आपकी मदद करेंगे, अंग संग हैं। देखो जैसे मनुष्य शरीर में जब थे, पंचभौतिक शरीर में जब थे, आपकी बात को सुनते थे, आप उनसे कुछ कहते थे, ऐसे अब भी आपके साथ हैं, अंतर में हैं, तरीका बदल गया। पहले तो आपको उनके पास जाना पड़ता था, ट्रेन बस में जगह नहीं, खड़े खड़े जाते थे, धक्के मुक्का खाते, गर्मी ठंडी झेलते हुए वहाँ पहुँचते थे। अब भी तो कहीं पहुँचने की ज़रूरत ही नहीं है, हाँ तो घर में बैठ करके कर सकते हो। कोई भी आप समर्थ गुरु के शिष्य हो, कोई भी हो, आप अंतर में यानी अपने ही गुरु को याद करो। जो संत मठ के लोग हो, आप तक मेरी आवाज़ अगर ये पहुंच जाए, तो जिनसे आपने रास्ता लिया आप उन्हीं को याद करो, तो वो आपकी मदद करेंगे अगर समर्थ होंगे तो, नहीं करेंगे तो आपको दिशा मिल जाएगी। ध्यान जब लगाओगे और अंतर में वो मिल जाएंगे, समर्थ गुरु वो थे और शरीर उनका पूरा हो गया, चले गए और आपको रास्ता दे गए, अगर उस रास्ते पर आप चलने लगोगे तो अंतर में वो दिशा दे देंगे, रास्ता दे देंगे कि अब बता देंगे कि तू वहाँ चला जा, या ऐसा कर ले, इस समय ये काम कोई कर रहा है, मृतलोक में हमेशा रहता है, ये काम करता है, तो उसके पास चला जा, तो वहाँ पहुँच जाना।
जो भी वो बता दें, जिन पर आपको विश्वास है, जिस गुरु पर आपको विश्वास है, उन्हीं को याद करो। एक आप उनको भी नहीं याद कर पाते हो, आप तो बस उनका फोटो बना लेते हो, आप तो उनका मूर्ति बना लेते हो, बस उनको फूल पत्ते प्रसाद चढ़ाने लगते हो, यानी बाह्य पूजा करने लगते हो, आंतरिक पूजा से दूर हो जाते हो। उनके पास जब पहुँचे थे तो आंतरिक पूजा करना तो बताया था, चेतन से चेतन की पूजा करना तो बताया था, यानी ख्वाहिशों की इबादत छोड़कर जिस्मानी इबादत करना तो फकीरों ने बताया था, जो पूरे गुरु समर्थ गुरु मुर्शिद कामिल थे उन्होंने बताया था, लेकिन उसको आपने छोड़ दिया। आप दान तो करते हो, आप पुण्य तो करते हो, खैरात तो बांटते हो, आप लंगर तो चलाते हो, उनके आदेश का पालन तो आप करते हो, ग्रंथ का पाठ तो करते हो, लेकिन जो वो कह करके गए उसको छोड़ दिया आपने। आप ध्यान लगाना शुरू करो। सब में ध्यान लगाने की बात आई है, चाहे जिस मजहब के लोग हों, क्योंकि रास्ता तो यही है, ध्यान लगाने का ही है। आवाज़ को सुनने के लिए कान में उंगली लगाना ही पड़ता है। आप देखो नहीं सही रास्ता मिल पाता है तो चलना शुरू करो, जो रास्ता आपके पास है उस पर चलना शुरू करो, तो कोई सही रास्ता बताने वाला मिल जाएगा। लेकिन आपकी मंजिल दूर है, आपको कहीं जाना है और चलोगे नहीं, जहाँ आपको सुख मिलना है, शांति मिलनी है, वहाँ चलोगे नहीं तो कोई कैसे मिलेगा? साथी भी मिल जाते हैं जाने वाले, जैसे बाजार में सामान खरीदने के लिए आपको जाना है, ज़रूरी चीज़ें हैं, आवश्यक चीज़ें हैं, आवश्यकता की चीज़ है। जब इस चीज़ को महसूस करोगे कि कपड़ा खरीदने के लिए हम बाज़ार में जाएंगे, मिर्च मसाला खरीदने के लिए बाज़ार में जाएंगे, तभी हमको मिलेगा, तो जब चल पड़ोगे तो वहाँ आपको रास्ता बताने वाले, शॉर्टकट भी रास्ता बताने वाले आपको मिल जाएंगे। जिनको संत मत के रास्ते को पंजी मार्ग कहा गया, ऐसे जैसे भौतिक रास्ता बताने वाले मिल जाएंगे, ऐसे इसमें भी मिल जाएंगे आपको, मिल जाते हैं। भान हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, कोई कम जानकार भी मिलता है, कोई ज़्यादा भी मिल जाता है, और कोई एकदम से सही दुकान तक पहुंचाने वाला, सही सामान खरीदने वाला भी मिल जाता है। लेकिन जब चलोगे नहीं घर से, निकलोगे नहीं, और ये सोचते रहोगे कि ज़रूरत तो है, ज़रूरत तो है, लेकिन हम जाएं कैसे, नहीं जाएंगे, फटा ही पहन लेंगे, गुदड़ी में ही रह जाएंगे, घर नहीं बनाएंगे, झोपड़ी में ही रह जाएंगे, चलो ऐसी काम के लिए हम पैदा हुए हैं, यही जब सोचते रह जाओगे कि खाने के लिए ही हम पैदा हुए हैं, सोने के लिए पैदा हुए हैं, दुख झेलने के लिए ही पैदा हुए हैं, सुख हमको चाहिए ही नहीं, हमारे बाप भी ऐसे चले गए और हमारे दादा भी चले गए और परिवार के बहुत से लोग चले गए, भाई यही हम भी करते करते चले जाएंगे, तो कैसे आप सुख का अनुभव कर पाओगे, कैसे अपना काम बना पाओगे? तो कोई भी आवाज़ को अगर आप सुन रहे हो, किसी भी अनेक गुरु को मानते हो, तो आप उनके बताए रास्ते पर चलो। जब आप चलोगे तो कोई ना कोई मिल जाएगा बताने वाला, सही रास्ता भी मिल जाएगा, सही चीज़ भी मिल जाएगी, समर्थ गुरु भी मिल जाएंगे, जो इस समय के वक्त के गुरु हैं वो मिल जाएंगे। वक्त के गुरु की ज़रूरत पड़ती है, वक्त के डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, संभाल करने वाले की ज़रूरत पड़ती है। मान लो डॉक्टर कोई अच्छा मिल गया और दवा बता दिया, लेकिन जब डॉक्टर के देख रेख में दवा होती है, जब टेम्परेचर देखता रहता है, समय समय पर जब दवा देता रहता है, तब मरीज ठीक हो जाता है, और नहीं तो मरीज नहीं जाता है। ऐसे ही ये जन्म जन्मांतर का मरीज, ये मन और ये आत्मा समझो मरीज बन गई, जब तक इसको कोई संभालने वाला नहीं मिलता है, जब तक इसको बताने वाला नहीं मिलता है, तब तक ये आगे बढ़ नहीं पाती है। अब आप ये कहो कि भाई हमको डॉक्टर ने दवा दे दिया है तो हम खाते रहेंगे, ठीक हो जाएंगे, लेकिन मर्ज पुराना है तो जल्दी नहीं जाता है। अब भर्ती हो जाते हो, अस्पताल में भर्ती हो जाते हो, वहाँ देख रेख करने वाले डॉक्टर जब रहते हैं तो मर्ज जल्दी चला जाता है, यानी शरीर स्वस्थ हो जाता है। ऐसे ही यानी कोई मिल जाता है बताने वाला कि वो अस्पताल है, वहाँ पर चले जाओ, वहाँ मौजूदा डॉक्टर मिलेंगे, वो डॉक्टर तो आपको बता करके चले गए, यानी आपको दवा देकर चले गए, अब इन डॉक्टर की ज़रूरत है आपको,
स्वस्थ होने के लिए, मर्ज को ठीक करवाने के लिए तो इनके पास चले जाओ। इसीलिए कहा गया कि वक्त के गुरु की जरूरत पड़ती है, वक्त के वैद्य की जरूरत पड़ती है। अब पूरा फर्ज अपना निभाते हैं, जैसे डॉक्टर भी हो, जो अच्छा डॉक्टर होता है, काबिल डॉक्टर होता है, वो पूरा अपना जिम्मेदारी महसूस करता है मरीज को ठीक करने का। आप तो समझो कि दवा यानी किसी ने भी दे दिया, लिख दिया, लेकिन उसका डोज कैसे देना है, आधा देना है, पूरा देना है, कितना क्या करना है, पूरी अकल लगाता है। ऐसे ही जो वक्त के सदगुरु होते हैं, वो देखते हैं कि भाई दवा तो मिल गई, रास्ता तो इनको मिल गया, अब ये किस तरह से यानी इस रास्ते को पकड़ लेगा, जो मैं बताऊंगा उसको कर लेगा, ऐसा अपना खान पान आचार विचार बना लेगा कि जिससे इसका मर्ज खत्म हो जाए, जन जन्मांतर की मरीज जो ये जीवात्मा हो गई वो निर्मल सख साफ हो जाए और वो समुद्र में पहुंच जाए जहाँ की यह बूंद है। इसलिए मिल जाएगा कोई ना कोई, लेकिन जब ये बताओगे हमको ये तकलीफ है, जब ये बताओगे कि हमारा इलाज चल रहा है, या आप जब निकल पड़ोगे, चल पड़ोगे उधर, तो जैसे मरीज कोई जा रहा है, कहेगा भाई आप मरीज हो, हम मरीज हैं, चलो हमारे साथ वो डॉक्टर हैं, उनके पास चले चलो, भर्ती हो जाओ, उम्मीद बच्चे, तब जब चलोगे आगे बढ़ोगे तभी तो हो पाएगा। खूब मंडूक बने पड़े रहो कि बस अब यही है, तरक्की नहीं जब हो पा रही है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो आपको तो जुड़ने की ज़रूरत है, खोजने की ज़रूरत है। क्यों नहीं खोजते हो? खोजोगे तो वो मिल जाएगा। सकल पदार्थ है जग माही, और कर्महीन नर पावत नाही, कर्म नहीं करोगे तो कैसे वो मिलेगा। और अगर उससे ज़्यादा जानकारी आगे की आपको नहीं है, तो आप ऐसे का सत्संग सुनो कि जिसको जानकारी है, जो चैलेंज के साथ इस बात को कहता है कि परमात्मा है, परमात्मा से मिला जा सकता है, उसका रास्ता है, उस रास्ते पर चलोगे तो पहुंच जाओगे, जो ये कहता है भाई हो सकेगा, जितना हम भी आपकी मदद करेंगे, तो क्यों नहीं जाते हो? आगे का भी रास्ता समझो, आगे का भी कुछ करो। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था व सरकार से कोई भी चंदा, चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली बीमारी तकलीफों से बचने के लिए कुदरत व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मिला है ये सारा समय, अच्छा नहीं है, भूत है सवार, लोग सुनते नहीं है, कहीं नहीं आना डूबे मजधार, हमारा देश फूले फाले, ये प्यारा देश फूले फाले, यही वंदना है गोरों से बारंबार, हमारा देश फूले फाले,
के प्यारा देश खोले फाले।